हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम देखेंगे यूपी टीजीटी इंग्लिश का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की। ठीक है, चलिए देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना था करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो सबसे पहले इनवर्टिब्रेट दिया है, तो सेकंड ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड की जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल सही है। ठीक, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है ऑमलेट बताना था, तो ऑमलेट की भी जो है बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद है क्यूजिन, तो क्यूजिन जो है ऑप्शन डी सही रहेगा। और डायरिया की देखिए ऑप्शन वन जो है यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, अगला देखिए, थो हेडसेट ए वॉइस हुज साउंड वॉज लाइक द सी प्योर एज द नेक्ड हैवन मैजेस्टिक फ्री। तो इसमें जो राइट आंसर होगा अबव लाइन आर रिटर्न फॉर, पूछा गया कि किसके लिए लिखी गई हैं, तो जॉन मिल्टन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। चूज़ वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच डिस्क्राइब द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली, तो यहाँ पे फ्रेटरी साइड जो है सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला है हु रेफर विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एस टी कॉलरिज, डी ऑप्शन। मार्क द पार्ट विद द एरर, इसमें मतलब जिसमें एरर है वो बतानी थी, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट में पेट्रा चैन सोनेट का जो है वो बताना था क्या है, राइम स्कीम क्या होगी, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया है, तो राम सेड हाउ लवली दिस फ्लावर इज, तो इसमें राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय, बी ऑप्शन जो है सही रहेगा। द लाइन दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम, तो राइट आंसर ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय मिल्टन, ऑप्शन बी जो है सही होगा। करेक्ट स्पेलिंग बतानी थी यहाँ पे कॉन्सोनेंटल की, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है सही होगा, कॉन्सोनेंटल। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ जॉन ग्लासवर्थी पुट फॉरवर्ड्स जॉन ग्लासवर्थी आइडिया ऑन द ड्रामा, तो राइट आंसर हो जाएगा द इन ऑफ ट्रांक्विलिटी, ऑप्शन सी। चूज वन वर्ड बताना था यहाँ पे, देखिए इनकैपेबल ऑफ बींग रीडीम्ड फ्रॉम ईविल दैट इज बियॉन्ड करेक्शन, तो राइट आंसर हो जाएगा इनकॉरिजिबल, डी ऑप्शन इनकॉरिजिबल जो है यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इट वॉज वेरी जेनरस ऑफ यू टू अदर टू हेल्प मी, सी ऑप्शन जो है सही होगा। 16-19 देखिए, द एप्पल वॉज टू सोर टू ईट, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे द एप्पल वॉज सोर सो दैट इट कुड नॉट बी इटन, डी ऑप्शन जो है सही रहेगा। अगला देखिए, द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड हिम गवर्नर, तो इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट। हु वुड नॉट लव हिज कंट्री, असर्टिव बताना था, तो एवरी वन वुड लव हिज कंट्री, ऑप्शन ए जो है सही होगा। वाई शुड दे बी ब्लेम्ड बाय यू, एक्टिव बताना है, तो वाई शुड यू ब्लेम दम जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेस्टोरल एलिगी, तो राइट आंसर हो जाएगा लिसेट्स, सी ऑप्शन। ए फैक्चुअल अकाउंट ऑफ ए पर्सन लाइफ एग्जामिंग ऑल अवेलेबल इन्फॉर्मेशन एंड टेक्स्ट रेलिवेंट टू द सब्जेक्ट इज कॉल्ड, तो बायोग्राफी जो है सही होगा यहाँ पे। चूज वन वर्ड बताना है, ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कॉन्वेलेसेंस, बी ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग बतानी थी डिफरेंशियल की, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें बताना है कि वाइल ग्रेजी जोन डोथ किल द पोएट, तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा विलियम शेक्सपियर। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट रिटन बाय जॉन ग्लासवर्थी, तो राइट आंसर हो जाएगा एडोमिनेशन टू ए ट्रेवलर। ठीक है, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, तो ही ऑलवेज गेट सक्सेस सिंस ही हार्डली वर्क्स, सी ऑप्शन जो है सही होगा। ओके, हु कॉल्ड शेक्सपियर ए जॉनसन फैक्टोटम ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, तो राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ग्रीने। मालती इज फेड अप विद द वेदर हो जाएगा, इसमें देखिए एरर फाइंड आउट करनी थी, तो सीम्स टू बी एक्सपेंसिव में नहीं, दीज काइंड ऑफ अपेरल, इसमें जो है एरर हो जाएगी। करेक्ट स्पेलिंग डिस्क्रिमिनेंट की बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। ठीक है, अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन ग्लासवर्थी, तो थ्रोन जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। लैप मीन सॉफ्ट लीडियन एयर्स मैरिड टू इमॉर्टल वर्स, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एल एलिग्रो, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, मिल्टन ऑन शेक्सपियर वॉज पब्लिश, तो यहाँ पे पब्लिश पूछा है, कंपोज 1630 था, पब्लिश जो थी 1632 हो जाएगी, तो ऑप्शन डी जो सही होगा।
आइडेंटिफाई द एरर पार्ट, एरर पार्ट बताना है इसमें, तो वर एबल टू हेल्प मी सही हो जाएगा यहाँ पे। द न्यू मेडिसिन प्रिवेंट द वायरस फ्रॉम ग्रोइंग हो जाएगा। अमंग फॉलोइंग सेंटेंसेज विच इज़ नॉट करेक्टली पंचुएटेड, तो सेकेंड ऑप्शन मैन ही सेड इज ए पॉलिटिकल एनिमल। द करेक्टर बीट्राइज एंड बैंडिक अपियर इन शेक्सपियर प्ले, तो कौन से प्ले में, मच एडियो अबाउट नथिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ ओड, तो राइट आंसर हो जाएगा जैकोबिन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन द क्लासिफिकेशन ऑफ शेक्सपियर प्ले इन विच कैटेगरीज इज द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना कम, तो द अर्ली कॉमेडीज। इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड फॉरगेटन अकर, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इमोर्टेलिटी ओड, डी ऑप्शन सही रहेगा। ओके, इसमें देखिए सिक्स लाइन स्टेंजा एंड शो डिसाइड साइन ऑफ इमेच्योरिटी, तो राइट आंसर है वीनस एंड अडोनिस, सी ऑप्शन। करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी के बारे में सही बताना है तो ऑप्शन वन सही हो जाएगा। ओके, नॉट करेक्ट बताना था तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, आई बी देयर सिचुएशन, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही रहेगा, हैड आई बीन देयर। द बॉस वॉन्टेड टू नो द हाउ आई हैड डन द जॉब, फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा। विच इज़ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही रहेगा, कंटेम्प्टिबल। ओके, 10,000 सा आई एट ए ग्लैंस, तो यहाँ पे हाइपरबोले हो जाएगा। ट्रू बतानी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, द टर्म नोवल रेफर्स टू, ओके जो ट्रू नहीं है, तो इट ट्रीटाइज ऑन करंट सोशल प्रॉब्लम, सी ऑप्शन सही रहेगा। ओके, लिसेंडर इज ए करेक्टर इन ए मिड समर नाइट ड्रीम, ऑप्शन ए। सेवन लाइन एम्बिक पेंटामीटर, इसमें हो जाएगा राइम रॉयल, सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन, जो जॉन मिल्टन ने नहीं लिखा है, तो ये हो जाएगा अल्मा ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड, डी ऑप्शन सही रहेगा। वर्ड्स वर्थ द बॉर्डर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, द वर्स ट्रेजिडी आएगा। एरर फाइंड आउट करनी थी इसमें, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी रहेगा, दैट संजय एंड हिज सिस्टर वॉज गोइंग। करेक्ट स्पेलिंग इज इनक्रिप्ट, ए ऑप्शन ए हो जाएगा। मेक द पार्ट विद द एरर, तो इसमें सही हो गए पर्सन स्मोक डज। दीज बॉक्सेज आर वेरी हैवी, दे आर फुल ऑफ बॉक्सेज हो जाएगा, विद जो है ये फिल्ड विद बॉक्सेज आएगा, अगर फिल्ड होता तो फिल्ड आता, मतलब फिल्ड के साथ विद आएगा, फुल ऑफ बॉक्सेज होगा यहाँ पे। वास्को डी गामा वॉज द फर्स्ट टू राउंड द केप ऑफ गुड होप, तो वर्ब हो जाएगा राउंड यहाँ पे। ओके, क्लोसेट ड्रामा के बारे में ट्रू बताना है, तो सी ऑप्शन सही रहेगा, क्लोसेट ड्रामा इज इंटेंडेड टू बी रीड। गोथिक नॉवल डिनोट्स ए टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन विच हैज़ बीन सेट इन द मिडल एज। एनी शॉर्ट कंपोजिशन इन प्रोज, तो ये ऐसे हो जाएगा। वी डिड नॉट गेट होम टिल 2 AM जो है सही रहेगा। माई व्यूज मे बी डिफरेंट फ्रॉम योर्स बट यू शुड नॉट बी इन डिफरेंट टू योर इंटरेस्ट, तो बी ऑप्शन सही रहेगा, फ्रॉम और टू। इन द फोर साइड सागा, द फोर साइड बिलोंग टू ए कंट्री साइड फैमिली, सही रहेगा। ओके, आगे देखिए, फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इसमें से, जो करेक्ट है तो इसमें 2 and 3 जो है करेक्ट है, ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज नॉट रिटन बाय जॉन ग्लासवर्थी, जो जॉन ग्लासवर्थी ने नहीं लिखा है, तो एप्पल कार्ट, ऑप्शन सी सही रहेगा। इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सोलिटरी रिपेयर, द सोलिटरी हाईलाइटेड लास इज ए गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, बी ऑप्शन सही रहेगा। जैक बार्थविक इज ए करेक्टर इन द सिल्वर बॉक्स, रहेगा सही। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी, जो सही है तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन, तो इनर विजन इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। ओके, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है गायनोकोलॉजिस्ट की, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लड, तो इट इज कॉमिक इन नेचर, सी ऑप्शन सही रहेगा, इट इज कॉमिक इन नेचर। ट्रांसफॉर्म फॉलोइंग सेंटेंस इन टू एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, तो ऑप्शन डी, हाउ ब्यूटिफुली दिस स्टोरी इज टोल्ड। आई ब्रोक दिस ग्लास बाय एक्सीडेंट हो जाएगा। द लाइन दे सॉल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट अपियर इन लंडन 1802। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर हैज रिटन द लाइन, तो विलियम शेक्सपियर सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी। कॉक्सन इज ए करेक्टर इन जस्टिस, ए स्टोरी इन वर्स और प्रोज विद ए डबल मीनिंग इज पॉपुलरिटी नोन एज एलिग्री, सी ऑप्शन। वट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड अपोसाइट, तो इसका सुटेबल हो जाएगा। आइडेंटिफाई द एरर पार्ट, तो एरर पार्ट आर में जो है एरर पार्ट है। विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन,
तो यहाँ पे अगर हम वोवल के अकॉर्डिंग जाएँ तो असोनेंस होना चाहिए, लेकिन वाइट वाइट सी के अकॉर्डिंग जाए तो एलिट्रेशन होना चाहिए। तुम्हें भी इसमें डाउट है, कोई भी जो है दोनों में से हो सकता है, ठीक है। फेडरिस करेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले बाय जॉन ग्लासवर्थी, तो जस्टिस हो जाएगा। आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव यहाँ पे बताना था, तो यहाँ पे आएगा ऑटोबायोग्राफी इज ए कनेक्टेड नैरेटिव। आइडेंटिफाई द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, तो इसमें हो जाएगा अप्लाइंग वर्ड सोलार्स, बी ऑप्शन। चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन टू बैनिश फ्रॉम वन कंट्री, तो एक्सपेट्रिएट हो जाएगा। ओके, शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज करियर, तो राइट आंसर हो जाएगा विंटर, सॉरी मच एडो अबाउट नथिंग, फर्स्ट ऑप्शन जो है सही रहेगा। ओके चलिए, इसमें 85 टू 91 देखिए इस तरीके से दिए गए हैं ये, तो 85 का ए रहेगा, 86 का पीपल सी रहेगा, 87 का फॉर्म्स रहेगा, 88 का जो राइट आंसर होगा वो इंटेलेक्चुअल होगा, डी ऑप्शन। 89 का जो है दे सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है मूवमेंट, सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। 91 का जो है इशू सही रहेगा, सी ऑप्शन, ठीक है। वी डिवाइडेड द प्रॉपर्टी इनटू सेवरल पार्ट्स हो जाएगा। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट मंथ, योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट टू एनी एक्सक्यूज हो जाएगा। इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ रिवोल्यूशन जो है सही हो जाएगा, ये मिसमैच है। विच वर्क हैज़ बिन कॉल्ड बाई शेक्सपियर एज द फर्स्ट हीयर ऑफ माई इन्वेंशन, तो विनस एंड अडोनिस। द करेक्टर ओफीलिया एंड गेस्ट्रूड अपियर इन शेक्सपियर प्ले हैमलेट, सही होगा यहाँ पे। एंटिनम ऑफ द वर्ड एम्पल, तो मेयग्रे सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसमें देखिए ट्रांसफॉर्म करना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही रहेगा। इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर ड्रामा विच प्ले वॉज ओमिटेड, तो पर प्रिसिल्स सही रहेगा, ऑप्शन बी। चूज वन वर्ड द आर्ट ऑफ मेकिंग फायर वर्क्स, तो पायरोटेक्निक्स। ओके, नो एरर बताना था इसमें, तो ऑप्शन सी इसमें सही रहेगा। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव द मीनिंग ऑफ वर्ड इंडिजिनेशन, तो इसका हो जाएगा डिस्कस्ड। करेक्ट स्पेलिंग फ्लफी हो जाएगा, ये ऑप्शन। रिनेसांस हैज इट्स फुल इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर इन 16th सेंचुरी हो जाएगा। एक मिनट, 103 का जो है एंगर विद सरप्राइज होगा, वेट। 103 का जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन रहेगा, एंगर विद सरप्राइज, ठीक है। चलिए 105 तक हमारा हो गया, 16th सेंचुरी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉवलेट रिटन बाय जॉन ग्लासवर्थी, तो नन ऑफ द अबव जो है यहाँ पे सही रहेगा। व्हाट इज द ग्रामेटिकल स्टेटस बताना, देयर वाज ए ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज, तो यहाँ पे नाउन हो जाएगा राउंड, ठीक है। ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ए टाइप ऑफ पोएम दैट कंटेन्स वन इमेजिनरी स्पीकर, तो सी ऑप्शन सही है। इसमें भी ग्रामेटिकल बताना है, राउंड बताना है, एवरीबडी ज्वाइन हैंड्स एंड डांसेस राउंड, तो एडवर्ब हो जाएगा यहाँ पे। ओके, फाइंड आउट इनकरेक्ट सेंटेंस, तो यू शुड एक्ट लाइक मी, बी ऑप्शन। फेबल इज ऑल्सो कॉल्ड, तो इसको बोला जाएगा पैरेबल। ओके, नॉट करेक्ट अबाउट बायोग्राफी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बायोग्राफी के बारे में जो सही नहीं है। ओके, रेफरेंस टू एस्से बताना है, तो फॉर्मल एस्से इज रिलेटिवली पर्सनल, ये सही नहीं है, ठीक है। ओके, लिरिक फॉर्म ऑफ पोएट्री इज नॉट ट्रू, जो नॉट ट्रू है लिरिक फॉर्म के बारे में, तो वो है ऑप्शन ए, ए लिरिक कंटेन 49। द टर्म कार्प डीम मीन्स, ये हो जाएगा सीज द डे, ऑप्शन बी। शेक्सपियर प्ले लव्स लेबर लॉस्ट इज गुड एग्जाम्पल ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। Who among the following writer is known for his epigrammatic prose style? तो बैक इन हो जाएगा। As a dramatist, John Glasworthy belonged to the realistic tradition of Jones and Pinero. Will no one tell me what she signed? Perhaps the plaintive humbles flow. तो यहाँ पे the solitary reaper सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। What is the meaning of the word mercenary? तो राइट आंसर होगा the movie to earn money. Sorry, the motive to earn money. Among the following, which is not example of pastoral elegy? तो राइट आंसर हो जाएगा एलिगी रिटर्न इन कंट्री, डी ऑप्शन। अगला है द फर्स्ट फोलियो द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर प्ले वॉज एडिटेड बाय, तो हैमिंग एंड कॉन्डेल। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले बाय शेक्सपियर इज नॉट क्लासिफाइड एज रोमन प्ले, तो हैमलेट हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ही वॉज ए गुड टीचर बट ए पुअर स्टूडेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा एंटीथीसिस, डी ऑप्शन।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मैमियर, तो मैमियर के बारे में सही है, तो ऑप्शन ए इन मैमियर द एम्फेसिस इज नॉट एन ऑथर डेवलपिंग सेल्फ। ठीक है, तो ये थे 125 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।